मोदी की कथित जुमलेबाजी से पब्लिक इतना पक चुकी है कि अब कोई सीरियसली तक नहीं लेता। हालत तो ये हो चुकी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ पब्लिक भाग खड़ी होती है। कई बार ऐसे वीडियो निकल कर सामने आए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से भाषण दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां खाली हो रही थी। तब भाजपाई आईटी सेल का कहना था कि ये वीडियो फेक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार बार इसी तरह की सफाई बीजेपी की तरफ से दी गई, लेकिन अब जो हुआ है उस पर तो भाजपाई आईटी सेल भी नहीं बचा सकता। जी हाँ, खबरें तो यहाँ तक निकल कर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव इतनी कथित तौर पर फजीहत हुई है कि उनके आते ही जब पब्लिक जाने लगी तो मोदी जी को हटाना तक पड़ गया। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, इसके लिए मैं आपको इसरो की साइट दिखाती हूँ। आप देखिए, ये इसरो का चैनल है, यूट्यूब चैनल है। जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग हो रही थी तब लाइव चल रहा था। आपको पता है कि किस तरीके से पब्लिक की नजरें टिकी हुई थी, हर कोई बैठा हुआ था देखने के लिए कि भारत कैसे चांद पर झंडा गाड़ने जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, इसरो की ऑफिशियल साइट पर बैठे थे लोग, जितने उनका अगर आंकड़े पे नजर डालें तो 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग बैठकर देख रहे थे कि भारत कैसे चांद पर पहुंचा है। एक तरफ आप देखिए कि 80 लाख लोग मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तुरंत 40 लाख लोग कम हो गए। दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 8 मिलियन से 4.4 मिलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक बोलते रहे तब तक ये आंकड़ा लगातार गिरता रहा। अब इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि और कीजिए जुमलेबाजी, अब तो पब्लिक भी सुनने से इनकार कर रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इसी के साथ खबरें तक बन गई हैं। कैसी खबरें हैं, आपको खबर भी दिखा देती हूँ। देखिए, न्यूज नेटवर्क ने खबर चलाई है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को 8 मिलियन लोगों ने लाइव देखा, लेकिन मोदी जी के स्क्रीन पर आते ही 3.6 मिलियन लोग टीवी छोड़कर भाग गए। तो मोदी जी चमकाए जाएंगे, मोदी जी दिखाए जाएंगे, नेशनल टेलीविजन हो तो मोदी जी, सड़क पर निकल जाओ तो पोस्टर में मोदी जी, लेकिन अब मोदी जी को पब्लिक नहीं देखना चाहती है। इतना भारी प्रचार है, इतनी ज्यादा फोटो जीवी सरकार है, पब्लिक भी समझ चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइव आंकड़े शेयर किए गए और वो भी ये इसरो ऑफिशियल के लाइव के आंकड़े हैं। अगर कुछ और होता तो बीजेपी इनकार कर देती, अंधभक्त बचाव कर लेते, लेकिन इस पर तो बचाव तक नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको बता दूं कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस ने भी जबरदस्त निशाना साधा है, लिखा हुआ है कि ड्रास्टिक ड्रॉप इन व्यूवरशिप आफ्टर मोदी स्टार्टेड टॉकिंग। मोदी जी ने बात करना शुरू किया और व्यूवरशिप लगातार गिरती चली गई। दीपक खत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं, लिखते हैं कि 2.9 मिलियन व्यूवर्स स्टॉप्ड वॉचिंग लाइव कवरेज ऑफ चंद्रयान 3 व्हेन मोदी बिगिन स्पीकिंग, यानी जब बात करना शुरू किया तब उनकी लगातार व्यूवरशिप गिरती चली गई। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट द पीपल ऑफ द कंट्री डू नॉट वॉन्ट टू सी नरेंद्र मोदी एनी मोर, यानी कि इससे इतना तो साफ ही हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जनता देखना नहीं चाहती है। आगे लिखते हैं जय हिंद और लिखा है #डर गई भाजपा। तो डर गई भाजपा के साथ ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और ट्रेंड भी कर रहा है डर गई भाजपा। वैसे भाजपा डरी हो या फिर कि ना डरी हो, लेकिन मोदी जी से पब्लिक जरूर डर गई है। एक वीडियो है वायरल हो रहा है, कितना कथित जुमलेबाजी से पब्लिक पक चुकी है, इस वीडियो को देखिए। छोटा सा चंक है, ध्यान से सुनिएगा। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। तो ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, बार बार हर कोई चला रहा है कि बाजू में करो मोदी जी को और इसरो की टीम को दिखाओ। जाहिर सी बात है, इसरो की टीम की अचीवमेंट है, पब्लिक इसरो की टीम को देखना चाहती है, लेकिन इसरो की टीम के साथ मोदी जी को लगा दिया गया। मोदी जी कभी झंडा हिला रहे हैं, कभी जाकर संबोधन कर रहे हैं, इसलिए
मोदी जी जैसे ही लाइव आते हैं पब्लिक तुरंत भाग जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान तो आपने देखा ही कि कैसे लाखों की पब्लिक ने लाइव देखना बंद कर दिया। उसके बाद भी खेला किया गया, एक तरफ मोदी जी लाइव हटे वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है, क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर पब्लिक ने कैसे मजे लिए हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। जी आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसरो के चीफ हैं सोमनाथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपके नाम का मतलब होता है चांद और आपने चांद पर झंडे गाड़ दिए, आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑडियो कॉल है या फिर कि वीडियो कॉल है। अगर आपको पर्सनली बातचीत करनी थी, पर्सनली उनको बधाई देनी थी, तो इसका वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है? आपको बधाई देनी थी अगर लाइव आकर, तो उस भी लाइव पर ही बोल देते। अब जब लाइव पर नहीं बोला है, पर्सनली कॉल किया है, तो उसका वीडियो क्यों बनवाया गया है? और अगर वीडियो बनवाया है तो वीडियो संदेश ही जारी कर दिया जाता। वीडियो संदेश भी दे सकते थे, देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा वीडियो संदेश बनाते, जारी कर देते, पब्लिक भी देख लेती, पब्लिक भी सुन लेती। इस तरह का कथित तौर पर नौटंकी करने का मतलब क्या बनता है कि कैमरे के सामने खड़े होकर आप बात कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और पर्सनली बात, आप पर्सनली सोमनाथ जी को फोन करके इस अचीवमेंट के लिए उनको शाबाशी दे रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस तरह की कथित ड्रामेबाजी से पब्लिक तंग आ चुकी है। पब्लिक भी पूछ रहे हैं कि मोदी जी वीडियो कॉल कर रहे हो या फिर कि ऑडियो कॉल कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो पर एक यूजर है बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखते हैं कि बाल बाल बच गए सोमनाथ, आज शुक्रिया ब्रिक्स, चलो मोदी ने ना सही गोदी मीडिया ने ऐसा किया था जब चंद्रयान लैंडिंग की तस्वीर दिखानी थी, तब एक साइड में फोटो जीवी के वीडियो कॉल की तस्वीर को घुसा दिया था, तो खींच मेरी फोटो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडिटेड कार्टून फॉर्मेट भी वायरल हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कैमरा प्रेम जग जाहिर है, कितना जाहिर है आप जानते हैं, लेकिन एक और एक वीडियो है, एक मास्टरपीस है, सबूत के तौर पर छोटा सा चंक है, दिखा ही देती हूँ, वीडियो देखिए। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए, कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए, एसपी जी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए, किसी को पीछे दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। तो आपने देखा कि मोदी जी मंच पर मौजूद हैं, उन्हें ये चिंता नहीं है कि पब्लिक ठीक से बैठी है कि नहीं बैठी है, मुद्दों पर बात करनी है, वो मुद्दे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, उनको बस इस बात की चिंता है कि कैमरा वाला कहाँ है। मंच से अनाउंस करते हैं कि कैमरे वाले को आगे आने दो, कैमरे वाले को आगे आने दो, आप पीछे हट जाइए, कैमरे वाले को आगे आने दो, एक बार नहीं कई बार। इन वीडियो से इतना तो साफ होता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैमरा प्रेम है वो कभी पीछे नहीं छूटता, कभी नेताओं को किनारे कर देते हैं तो कभी सिक्योरिटी गार्ड को। फिलहाल अब मोदी जी हटाते थे, अब पब्लिक ने ही मोदी जी को हटा दिया है। क्या वीडियो निकल कर सामने आई है, कैसे इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से लाखों की पब्लिक भाग गई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों मोदी जी को पब्लिक अब सुनना पसंद नहीं करती, 2014 से 2023 में क्या बदल गया? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।